भारत में मुसलमानों को लगातार एहसास कराया जा रहा है कि आप इस देश के दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। सियासी तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर उनको अछूत बना दिया गया है, इसलिए उन पर कोई बात करने को तैयार तक नहीं है। जी हां, आपने देखा हर फ्राइडे को, पिछले 3-4 फ्राइडे से गुरुग्राम में नमाज को लेकर लगातार जो आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता है वो लगातार धमका रहे हैं कि खुले में नमाज नहीं होगी, जबकि जो वहां का प्रशासन है वो परमिशन देता है कि आप एक जगह नमाज पढ़ सकते हैं। दरअसल वहां पर पहले जो था 25 से ज्यादा जगहों पर नमाज पढ़ने की इजाजत थी, लेकिन उसके बाद जो बवाल हुआ, जो इन्होंने प्रदर्शन किया आरएसएस बजरंग दल ने, उसके बाद वहां पर कुछ जगहों को सीमित कर दिया गया कि आप 20 ऐसी जगह पर को आइडेंटिफाई करके दे दिया गया मुस्लिम समुदाय को कि आप यहां पर नमाज पढ़ सकते हैं। और ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई क्योंकि वक्फ बोर्ड की तमाम मस्जिदें जिन पर कब्जा कर लिया गया है राजनीतिक गुंडों द्वारा, उनको खाली कराने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम में मस्जिदें ना होने की वजह से मुसलमानों को रोड पर या खाली जगह पर नमाज पढ़नी पड़ती है, वो भी सिर्फ फ्राइडे के दिन। लेकिन सरकार ना तो वक्फ बोर्ड की जो मस्जिदें हैं उनको खाली कराने को तैयार है, मुस्लिम समुदाय को सौंपने को तैयार नहीं है। वहीं जो उन्होंने जगह दी है, जो आइडेंटिफाई करके खाली जगह दी है, उस पर भी जो आरएसएस बजरंग दल के लोग हैं वो लगातार उस पर भी विरोध जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। इसके पीछे दो ही मकसद हो सकते हैं कि या तो आप मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं कि आपको उनकी नमाज देखी नहीं जा रही, या फिर यह है कि आप राजनीतिक लाभ के लिए लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। जो जुमे के दिन वीडियो वायरल हुई थी उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरीके से एक भीड़ लगातार मुसलमानों को उकसा रही है जबकि वो नमाज पढ़ रहे थे। लेकिन ये मुसलमानों के सब्र को देखना चाहिए कि उन्होंने फिर भी कोई रिएक्ट नहीं करा। जिस तरीके से वहां पर उनकी इबादत में खलल डाली जा रही थी, लगातार जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, मौलाना जो थे उनको धमकाया गया, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई रिटेलिएट नहीं किया और अपना शांति के साथ उन्होंने नमाज अदा करी और अपने घर को चले गए। इस पे लेना यह था कि जो उनकी दूसरी वीडियो वायरल हुई जिसमें मौलाना जो है वो मुल्क की सलामती के लिए, भाईचारे के लिए दुआ करते हुए दिखाई दिए, वही एक वीडियो में जो हिंदूवादी संगठन के जो नेता थे उसके साथ जिस तरीके से पुलिस ट्रीट कर रही थी, लग रहा था कि वो उनके घर के जमाई है या दामाद है। उनको आराम से गोद में उठा के जिप्सी में ले गए, जबकि ऐसे लोगों पर जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, दो समुदाय में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ यूएपी एनएसए जैसे एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उनको बाइज्जत वहां से हटाया गया, उनको कहीं और ले जाया गया। अब देखना यह है, ये विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी अगले फ्राइडे को भी उन्होंने चेतावनी दी है, अगले जुमे को भी चेतावनी दी है, तो अंदेशा है कि कुछ ना कुछ वहां पर अनहोनी हो सकती है। जबकि प्रशासन खुद वहां पर सिक्योरिटी दे रहा है नमाजियों को और उनको इजाजत दी है कि आप 20 ऐसी जगह पर नमाज पढ़ सकते हैं जो पुलिस ने खुद प्रोवाइड करवाई है। तो इसके बाद विवाद ही खत्म हो गया जब पुलिस प्रशासन खुद उनको जगह दे रहा है सिर्फ 5-10 मिनट के लिए। क्या आप सोचिए, इस देश में कावड़ नहीं निकलता क्या? इस देश में दुर्गा पूजा नहीं होती? इस देश में तमाम तरह की रैलियां होती हैं, तमाम तरह के जुलूस निकाले जाते हैं, धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, आप गलियों में देख लीजिए, टेंट लगा कर वहां पर प्रोग्राम होते हैं, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर मुसलमान खुले में नमाज पढ़ने, उससे दिक्कत है। तो ये बड़ी खबर थी कि जिस तरीके से लगातार गुरुग्राम का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, आने वाले दिनों में बड़ा हादसा होने का अंदेशा लग रहा है। तो प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इस तरह के जो इन्फ्रिंज एलिमेंट है उनको थाने में डाले, उनको उनके ऊपर कार्रवाई करें और उनको जेल भेजे ताकि माहौल खराब ना हो। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आई है जहां पर मुस्लिम वोटरों को मुर्दा बताकर उनके वोट काट दिए जा रहे हैं। जी हाँ, मैं ये खबर आपको बता दूं, बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि किस तरीके से मुस्लिम वोटों को कम किया जा रहा है। अंसारी तौफीक अहमद हैं, ये ट्वीट करते हुए लिखते हैं, जिंदों को मुर्दा बताकर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं मुस्लिमों के नाम, मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों?
ये देखिए, ये एक द सॉलिड करके पोर्टल है, उसकी खबर है जिसने खबर की है, हेडिंग लगी है कि मुजफ्फरनगर में मुर्दा घोषित कर काट दिए हजारों मुस्लिम वोटरों के नाम। आप समझिए यूपी में जिस तरीके से लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, यूपी में आप देखिए कि किस तरीके से पिछड़ों से बयान दिलवाया जाता है कि आप मुसलमानों के खिलाफ बोलिए। पहले वो ट्वीट करके कहते हैं कि अभी तो अयोध्या हुआ है, अब मथुरा की बारी है, तो वो मथुरा मस्जिद पे भी बयान देते हैं। और अब उन्होंने कहा है कि यूपी में जो जालीदार टोपी वाले और लुंगी वाले जितने भी गुंडे थे उनको हमने सबको ठिकाने लगा दिया है। तो फिर बताइए जो रात को लखनऊ में छात्रों पे जो डंडे चला रहे थे वो लोग कौन है। एक शुक्ला जी का वीडियो वायरल हुआ था जो पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे थे यूपी में, वो गुंडे कौन है? अगर सिर्फ लुंगी और जालीदार टोपी वाले ही गुंडागर्दी करते हैं तो पैंट वाले जितने भी क्रिमिनल है उनको सबको छोड़ देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नेशनल दस्तक ने एक सर्वे किया था, ऑनलाइन सर्वे, जिसमें पूछा गया था कि मुख्यमंत्री के तौर पे आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है, जिसमें सबसे ज्यादा वोट मिला है अखिलेश यादव को, 44% वोट मिला है। तो साफ ये संकेत दे रहा है कि इस बार पिछड़ों की सरकार यूपी में आने वाली है। वहीं मायावती को 33% और योगी आदित्यनाथ को सिर्फ 5% मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार यूपी में बड़ा बदलाव होने वाला है। लेकिन पिछड़ों से ऐसे बयान दिलवाकर, दलितों से ऐसे बयान दिलवाकर मुसलमानों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम करने की लगातार कोशिश की जा रही है। ओवैसी लगातार वहां पर सावधानी से बयान दे रहे हैं अपने भाषण में, कोई भी ऐसा मौका नहीं दे रहे हैं जिससे हिंदू मुस्लिम हो। तो कहीं ना कहीं मीडिया भी परेशान है कि उनको मसाला नहीं मिल पा रहा है। अभी एक बड़ी दुखद खबर आई है नागालैंड से। नागालैंड में सिक्योरिटी फोर्स और सिविलियन में जो भिड़ंत हुई वहां पर 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 13 सिविलियन मर चुके हैं, लेकिन इस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अभी हमने देखा था पिछले दिनों कि मेघालय में जिस तरीके से उपद्रव मचा हुआ था, उसके बाद फिर त्रिपुरा में टारगेट मुसलमानों को टारगेट किया गया। तो लगातार नॉर्थ ईस्ट में अशांति बनी हुई है, वहां पर लगातार इस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, लोगों की जाने जा रही है, घरों को जलाया जा रहा है, लेकिन जो होम मिनिस्टर है हमारे वो इस पे कोई संज्ञान लेने को या बयान देने को तैयार नहीं है। और ये देखिए कि यूपी में कल रात जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले पर कैंडल मार्च निकाल रहे थे उन पर किस तरीके से लाठी बजाई गई, उनके हाथ तोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए। इससे पहले यूपी में कम ही होता था कि छात्रों पे सवाल करने पे उन पे लाठी चलाई जाती हो। तो ये बड़ी खबर थी किस तरीके से लगातार यूपी में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, छात्रों को टारगेट किया जा रहा है, पिछड़ों को, दलितों को लगातार मारा जा रहा है, लेकिन जो उनके मंत्री हैं, जो बीजेपी में पिछड़े हैं, दलित हैं, उन्हीं को आगे करके मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है ताकि आने वाले चुनाव में फायदा हो सके। और सबसे बड़ी खबर यह है कि जो मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी कितनी बौखलाई हुई है, वो लगातार ऐसे वोटर जो उसके खिलाफ पड़ सकते हैं उनको कम करती नजर आई, क्योंकि सीएम, डीएम, एसपी सब लोग इन्हीं के हैं। अभी हाल ही में जो आईएएस है, रिटायर आईएएस है, लगातार यूपी में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि जो डीएम है वो रैली के लिए भीड़ जमा करता है, सरकारी बसों का इस्तेमाल करता है। तो हर तरीके से ये लोग अपने वोट को मजबूत करने के लिए और अपने सामने वाले जो इनको वोट नहीं मिलता उसको खत्म करने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के वोट काट दिए गए हैं। तो इस तरीके से लगातार बीजेपी काम कर रही है। आप लोगों की क्या राय है इस पर, अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।